श्रीमान कौशल जी, अगर हमारी आवाज जा रही हो तो भाई साहब आप कहीं हो तो तुरंत मंच के पास आने की कृपा करें। धन्यवाद आदरणीय राजभर जी। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय सहकारिता मंत्री आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आए और वीर सुरेंद्र महाराजा सुरेंद्र के बारे में उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय मुकुट जी, पाला कृषि की ज्ञान स्थली को प्रणाम है, राजा सुहेल देव की कर्म स्थली को प्रणाम है, प्रणाम है उस राष्ट्र संत को जिन्होंने विश्व में स्थान प्राप्त कर लिया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आज वर्चुअल हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। प्रणाम है माननीय राज्यपाल महोदय को, महोदय को प्रणाम है हमारे योगी और उस जागरण वाले संत और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम है। मंच पर विराजमान हमारे सारे सांसदगण, विधायक बंधु, अन्य नेतागण और बहराइच जनपद के उपस्थित बंधुगण, भगिनी, मित्रों, छात्रों, पदाधिकारियों, कर्मचारी, पत्रकार बंधुओं, आज बहुत ही सौभाग्य का क्षण है। हम सब लोग जानते हैं कि जब से हम लोगों ने राजा सुहेल देव के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया था, हम लोग चाहते थे यहाँ भव्य से एक स्थान निर्मित हो। बहुत सारी कल्पनाएं करके बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, लेकिन वो सारी कल्पना आज साकार हो रही है। आज हम सब लोग धन्य हो रहे हैं कि आज इस पवित्र धरती पर वह सारे पुण्य कार्य जो चिर स्मरणीय रहेंगे, जिनके कारण महाराजा सुहेल देव अब युगों युगों तक सारे देश में, सारे दुनिया में पहचाने जाएंगे, उनका पराक्रम पहचाना जाएगा। मैं बताऊं आपको, सामान्य रूप से हम सब जानते हैं बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे लोगों ने पराक्रम दिखाया, लेकिन राजा सुहेल देव का पराक्रम इन सारे पराक्रमों में एक अलग पहचान रखता है। पहचान कौन थी? जिस समय आक्रांता ने विदेशी आक्रांता आक्रमण कर रहे थे, लगातार एक जगह आक्रमण करते थे, फिर दूसरे जगह आक्रमण करते थे, लेकिन वीर शिरोमणि राजा सुहेल देव ने अपनी सेना से मुकाबला करते हुए जब उन आक्रांताओं को परास्त किया, तो वो परास्त होना इतना बड़ा परास्त होना था कि उसके बाद 300 वर्षों तक किसी भी विदेशी आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई कि भारत पर आक्रमण करे। यह करिश्मा किसी ने दिखाया है, यह किसी के पराक्रम की जय गाथा ये है तो राजा सुहेल देव के पराक्रम की जय गाथा है। हम सब लोग इस धरती में, इस जनपद में अपने को स्थापित करके हम लोग राजा सुहेल देव को प्रणाम करते हैं और एक बार जयकारा लगाएंगे, राजा सुहेल देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सहकारिता मंत्री जी। अब मैं अपने बीच में नौजवान साथी हमारे विजय राजभर जी हैं जो घोसी से विधायक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चंद समय में अपनी बात रखने का कष्ट करें। बोले भारत माता की, ऐसे नहीं, एक बार जोर से दोनों हाथ से ऊपर करिए सभी लोग, बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे पत्रकार बंधु, हमारे बहराइच के कोने कोने से और इस पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी राजभर समाज के साथी, सम्मानित माताएं बहनें, मैं बहुत कुछ न कहते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारी सरकारें आई और गई, मैं यहाँ के स्थानीय सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसद जी, यहाँ के माननीय मंत्रीगण, हमारे बड़े भाई माननीय अनिल राजभर मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन मंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और आप सभी से मैं कहता हूं कि जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करेंगे और मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि राजभर समाज के गौरव
महाराजा सुहेलदेव 1000 साल पहले जिनका जन्म हुआ था, आज उनके जन्म को हमको लगता है कि आज एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे माननीय मोदी जी और प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने समर्पित किया है। इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय राठौड़ जी। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, बहराइच के प्रभारी आदरणीय अनिल राठौड़ जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने विचार रखें। ऐसे नहीं, हम बोल रहे हैं, ऐसे लगाइए। भारत माता की, भारत माता की। महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव अमर रहे। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं और दिल की सभी सुंदर भावनाओं के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके हाथों से आज की तारीख इतिहास बनने जा रही है, मैं इस परिसर में, इस सभा स्थल पर आए हजारों नौजवानों की तरफ से, मां बहनों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से और महाराजा सुहेलदेव की इस पवित्र माटी की तरफ से मैं उनका बार बार स्वागत करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी और इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का भी आगमन हुआ है। मैं यहां उपस्थित नौजवानों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाहियों की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विशेष तौर पर अपने भाई उत्तर प्रदेश के यशस्वी पर्यटन मंत्री श्रद्धेय नीलकंठ तिवारी जी का भी, जिनके विभाग में आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उत्तर प्रदेश की माटी पर महाराजा सुहेलदेव की धरती पर आज इतिहास बनाने का काम किया है, मैंने उनका भी स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। सांसद सकलदीप राठौर जी मंच पर विराजमान है, आदरणीय अनुपमा जायसवाल जी भी मंच पर बैठी हैं, अच्छा बल्लाल गोड़ जी सम्मानित सांसद भी आज महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में मंच पर विराजमान हो गए हैं। हमारे सभी सम्मानित विधायक, अभी नौजवान विधायक विजय राठौर की बात आप सुन रहे थे, मंच पर हमारे महाराष्ट्र से चलकर आए राजभर समाज के संगठन को संचालित करने वाले दयानंद राजभर जी भी मंच पर विराजमान है, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। राजभर बिहार भाषण के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुमंदर बिहार जी भी मंच पर बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ सामने भी बहुत से हमारे नेता भी उपस्थित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं, आप सभी लोगों के तरफ से मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों के तरफ से समाज में, समाज से आए, प्रदेश के कोने कोने से जितने लोग यहां पर आए हैं, आप सभी लोगों के तरफ से मैं आज के सानिध्य के लिए आज देश में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी से के हाथों से आज महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके भव्य स्मारक के आधारशिला रखे जाने, मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं।
सुसज्जित सभी सनातन्य गणमान्यों का इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। थोड़े से धैर्य और संयम के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। उनकी उपस्थिति से हम सब धन्य होंगे। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पूरी जनता और सभी लोग आपके दर्शन के इच्छुक हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने परम प्रिय लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया, कृपया आसन ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, आपका स्वागत है। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश, आपका स्वागत अभिनंदन है। माननीय मंत्री पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश, स्वागत अभिनंदन। माननीय प्रभारी मंत्री जनपद बहराइच, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय सांसद कैसरगंज, माननीय सांसद बहराइच, आपका स्वागत अभिनंदन है। श्री सकल दीप राजभर, माननीय सांसद, आपका स्वागत अभिनंदन है। श्री दया शंकर राजभर, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र अखिल भारतीय राजभर महासंघ, स्वागत। और सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। हमारी भारतीय परंपरा ये कहती है कि किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया जाना चाहिए। मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन करके हमें अनुग्रहित करें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंच पर विराजमान राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 15 सालों से इस राज्य के अंदर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, दलित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी, इंसान का हक मारा जा रहा था, उनको लूटा जा रहा था, उनके तक जो योजनाएं पहुंचनी थी वो पहुंच नहीं पा रही थी, तब इस राज्य के अंदर एक ईमानदार, कर्मठ, दलितों से प्रेम करने वाला, शोषित से प्रेम करने वाले
महिलाओं के सम्मान के लिए, इस राज्य के खुशहाली के लिए कभी कभी पूज्य योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री इस राज्य को नेता है। तो एक बार आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय योगी जी का, पूज्य योगी जी का तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। जो अपने लिए नहीं जीते हैं, जो अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, महीने के 30 दिन, सप्ताह के 7 दिन, दिन के 24 घंटे अथक परिश्रम, परिश्रम की पराकाष्ठा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, छत मिले, उसका पक्का मकान हो, वह गरीब दुखी न हो, राज्य के समस्त अधिकारी गरीबों की सेवा करें, किसान का सेवा करें, तो इसी के लिए मरते हैं और जीते भी। तो ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री कभी कभी इस प्रकार के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे मिलते हैं इस राज्य को मिलते। आज इस राज्य के अंदर भारत की संस्कृति और देश की संस्कृति को भी कायम रखते हैं जो महापुरुषों ने संघर्ष किया, जिन महापुरुषों का सम्मान उनका इतिहास में पुनः जागृत करने के राज्य के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी है। इसलिए मित्रों, भारत माँ के लाल के रूप में, धरती के पुत्र के रूप में आदरणीय योगी जी इस राज्य की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, इसलिए पुनः एक बार पुनः तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे आदरणीय योगी जी। मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे लोकप्रिय नेता और जो राजभर वासियों में रात भी मरते जीते ऐसे आदरणीय अनिल राजभर जी, आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी, आदरणीय मुकुल बिहारी जी, आदरणीय ब्रजभूषण जी, आदरणीय सुरेश्वर जी, आदरणीय अनुपमा जी, आदरणीय मुकुट जी, बिहारी जी, सभी मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित विधायकगण, सम्मानित नेता उपस्थित यहां, सभी गांव गरीब किसान से गांव से पधारे हुए आम जनमानस, प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मुगल शासकों का जो बन के आया काल था, रक्षक हिंदुत्व का, भारत माँ का लाल था, मातृभूमि के लिए बन गया जो ढाल था, समर में रूप जिनका अति भीषण विकराल था, मसूद मुगल शासक था, क्रूर और खूंखार, कांपता था थर थर भाले की हुंकार, वीरता की गाथा इतिहास जब सुनाएगा, सदियों तक भारत की सौर गीत गाएगा, रण में बरसाते तलवार और तीर थे, रण में बरसाते तलवार और तीर थे, ऐसे प्रचंड योद्धा सुहेलदेव वीर थे। भारत की लड़ाई के लिए साथियों योगों लोग तक प्रतीक्षा के बाद महाराजा सुहेलदेव जैसे विराट व्यक्ति तुम्हारी पृथ्वी पर जन्म लेता है। वह एक वीर योद्धा के साथ साथ एक कुशल संगठन करता जिन्होंने समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उनका जीवन गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने संगठन की बदौलत एकता और ज्योति जलाई जिसके आगे विदेशी ताकतें टिक नहीं। साथियों, उनके गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय मोदी जी, योगी जी का सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और मैं विश्वास दिलाता हूं मित्रों, आप सबको चाहे महापुरुषों का इतिहास हो, चाहे गरीबों का सम्मान हो, मैं विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आदरणीय योगी जी देश के अंदर, मोदी जी ऐसा नेता धरती पर कभी कभी जन्म लेता है मित्रों, जो परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता, कभी कभी जन्म लेता है मित्रों। इसलिए इस समय हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के वातावरण के खिलाफ आदरणीय योगी सरकार को बदनाम करने का भी काम ये विपक्ष कभी कभी करता रहता है मित्रों, क्योंकि ये लूटना चाहते हैं देश को,
अपना परिवार का पेट भरना चाहते हैं, अपने खानदान की खुशहाली चाहते हैं, एक खानदान मिलकर इस राज्य को लूटना चाहता है। इसलिए आदरणीय योगी जैसा इस राज्य को बेटा नहीं मिलेगा। मित्रों, एक गरीब का सम्मान करने के लिए ऐसा बेटा इस धरती पर नहीं मिलेगा। इसलिए आदरणीय योगी जी का सम्मान हमेशा बना रहे। मित्रों, ये आपके साथ है और इस राज्य के साथ है। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और एक बार नारा लगाएंगे, सुहेलदेव महाराज सुहेलदेव, आप कहेंगे अमर रहे महाराजा सुहेलदेव। थोड़ा बजरंग बली का मुट्ठी का किसी को भूसा पड़े तो नानी याद आए। राजा सुहेलदेव, राजा सुहेलदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी व सभी मंचा से इन सम्मानित गणमान्य महानुभावों से निवेदन करूंगी कि कृपया सामने पड़े हुए सोफे पर अपना स्थान लें और जो इन कलाकारों द्वारा अति सुंदर और मनोहारी रंगों है, मैं मान्यता करूंगी कि चलते चलते एक दृष्टि उस पर डालें और उसका अवलोकन कर कलाकारों का उत्साह वर्धन अवश्य करें। इस सुंदर और मनोहारी रंगोली पर एक दृष्टि डालें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे हम परिसर में जोरदार तालियों के माध्यम से। हमारे कलाकारों द्वारा ये सुंदर मनोहारी अप्रतिम रंगोली महाराजा सुहेलदेव जी पर बनाई गई है। आज का दिन बहुत ही सुंदर और पावन है। और माननीय मुख्यमंत्री अपना स्थान है और एक ऑडियो वीडियो यूपी गीत जिसको यहाँ पर प्रसारण किया जा रहा है, अपनी दृष्टि उस पर डालकर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। यूपी गीत
महाराजा सुहेल देव स्मारक एवं चित्तौरा झील विकास योजना का वॉक थ्रू प्रदर्शित किया जाएगा। माननीय से निवेदन करूंगी कि अपनी एक दृष्टि कृपया उस पर डालकर हमें अनुग्रहित करें। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद और दूरदर्शिता से एक बार जोरदार तालियां माननीय के लिए मैं जरूर चाहूंगी। और इसके बाद हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया हमसे जुड़ रही हैं। निवेदन करूंगी कि कृपया उन्हें हमसे जोड़ें। कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के दिन पूरे
देश को उल्लासपूर्ण तरीके से मनाने का ये संदेश दिया है और ये कार्यक्रम पूरा प्रदेश मना रहा है, पूरे प्रदेश और पूरे देश में देखा जा रहा है। और ऐसी सूचना मिली है कि माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही क्षणों में हमसे जुड़े हैं। मित्रों, जो वॉक थ्रू अभी आपने देखा वो निश्चित ही ये दर्शा रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता कितनी उत्कृष्ट है। निश्चित ही पर्यटन का सर्वश्रेष्ठ बहराइच बनेगा। तो मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि पूरी ऊर्जा के साथ माननीय के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सबका साथ सबका विकास, एक यही बात जिस बात को चरितार्थ किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी लगन, उनकी दूरदर्शिता और उनकी सकारात्मक सोच का प्रतिफल है। और मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करती हूँ हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया यहाँ पर उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे माननीय राज्यपाल महोदया। Thank you.
कर हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही अध्यात्म संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। यहाँ अवतारों के साथ ऋषि योगियों और तपस्वियों ने देश दुनिया को भारत के गौरव से परिचित कराया, तो इसी भूमि के रण बांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुट्ठी खाने को विवश किया। ऐसे ही पराक्रमियों में एक नाम महाराजा सुहेल देव का है। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेल देव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ थारू बंजारा सहित अनेक समूहों एवं राजाओं का संघ बनाकर कौलियाला नदी के तट पर चित्तौड़ा के युद्ध में विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेल देव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। महाराजा सुहेल देव देश के उन वीरों में रहे हैं जिन्होंने मां भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया। महाराजा सुहेल देव जैसे नायक जिनसे हर वंचित हर शोषित प्रेरणा लेता है, उनका स्मरण भी तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और नई शक्ति देता है। बहराइच में महाराजा सुहेल देव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेल देव स्मारक एवं चित्तौड़ा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में होने जा रहा है। सम्मानित सम्मान के साथ महाराज सुहेल देव का स्मरण करते हैं और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि 1000 वर्ष के बाद महाराज सुहेल देव को सरकार के द्वारा सरकार का सम्मान दिया जा रहा है। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों आकांक्षा और प्रयासों को जोड़े। महाराजा सुहेल देव इस स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस तराई के क्षेत्र की जनता को जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण,
बहराइच के प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, माननीय सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी, माननीय सांसद श्री सकलदीप राजभर जी, माननीय विधायकगण श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्रीमती माधुरी वर्मा जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री पदम सिंह चौधरी जी, माननीय विधायक विजय राजभर जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए उपस्थित महानुभाव, महाराजा सुहेलदेव स्मारक समिति से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम के प्रणेता, मार्गदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती सरस्वती का पावन दिवस है और आज का दिन इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इस धरती पर करने वाले धर्म रक्षक, राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शिलान्यास का कार्यक्रम कुछ ही देर में संपन्न होने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहराइच में आज से 4 वर्ष पहले एक मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र की आरोग्यता के लिए दिया गया था और मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हुआ है और मेडिकल कॉलेज का नाम भी हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर ही रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मेडिकल कॉलेज का भी आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। हम जब महाराज सुहेलदेव की इसका स्मरण करते हैं तो इसके साथ ही हमें महर्षि मालार्क का भी स्मरण होता है, जिनकी प्रेरणा से क्षेत्र के राजाओं ने एकत्र होकर के महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में उस समय के बर्बर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ इतिहास की एक ऐसी लड़ाई को लड़ा था जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण अगले 150 वर्षों तक भारत पर किसी भी विदेशी आक्रांता के द्वारा हमला करने का दुस्साहस नहीं हुआ था। वह ऋषि महाराज यहां पर बालाक ऋषि के रूप में इस बहराइच को एक नई पहचान देने वाले महाराज बालार्क के नाम पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ के जिला चिकित्सालय का नामकरण भी प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया और उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी 4 फरवरी को देश की आजादी के लिए लड़ने वाले
के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि को व्यक्त करते हुए गोरखपुर के चोरी चोरा महोत्सव के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। चोरी चोरा महोत्सव के कार्यक्रम की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के कारण हर एक शहीद स्मारक पर कार्यक्रम चल रहे हैं। एक कार्यक्रमों की जो एक नई श्रृंखला प्रारंभ हुई है, 1000 वर्ष के बाद महाराजा सुहेलदेव का स्मरण पहली बार किसी सरकार के द्वारा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही 2018 में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट को भी परिचालन में लाकर के महाराजा सुहेलदेव के प्रति भारत की श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का कार्य किया था। और आज चित्तौड़ा नामक उस स्थान पर जहां पर ये महान युद्ध आज से 1000 वर्ष पूर्व लड़ा गया था, उसी स्थल पर एक भव्य स्मारक का शिलान्यास कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की जो बात कही है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करते हुए न केवल शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, सुरक्षा और सम्मान का भाव समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, बल्कि राष्ट्र के उन महानायकों के प्रति भी पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए जहां कहीं भी उनके स्मारक और उनसे जुड़ी हुई स्मृतिका होगी उनकी पुनर्स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में बहराइच के महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शुभारंभ यहां पर होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय इस कार्य के लिए हमें प्रदान किया। आज के इस कार्यक्रम में समाज से जुड़े हुए पूरे प्रदेश के अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोगों की उपस्थिति, महानुभावों की उपस्थिति, सामाजिक संगठनों की उपस्थिति इस अवसर पर यहाँ पर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन सभी संगठनों, संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की ओर से भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए महाराजा सुहेलदेव की 1012वीं जयंती कार्यक्रम के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव को विनम्र नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और मैं अपने देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि वे कृपया महाराजा सुहेलदेव स्मारक के निर्माण व चित्तौड़ा झील के विकास योजना का शिलान्यास रिमोट का बटन अपने कदमों से दबाकर करें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। मैं पुनः निवेदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच का लोकार्पण अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर करें। और इस शुभ घड़ी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। मैं भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें, हमें कृतार्थ करें।
पटेल जी राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे अन्य सहयोगी विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की ऐसी पावन धरा को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। वसंत पंचमी की आप सभी को, संपूर्ण देश को बहुत बहुत मंगल कामना है। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करे। आज का दिन विद्या आरंभ और अक्षर ज्ञान के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। हमारे यहां कहा गया है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशाल लक्षी विद्यां देवी नमोस्तुते। अर्थात हे महाभाग्यवती ज्ञान रूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दीजिए, मैं आपको नमन करता हूं। भारत की मानवता की सेवा के लिए रिसर्च और इनोवेशन में जुटे, राष्ट्र निर्माण में जुटे हर देशवासी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले, उन्हें सफलता मिले, यही हम सभी की प्रार्थना है। भाइयों बहनों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऋतु बसंत बह त्रिविध प्यार, यानी वसंत ऋतु में शीतल मंद सुगंध ऐसी तीन प्रकार की हवा बह रही है। इसी हवा इसी मौसम में खेत खलिहान बाग बगान से लेकर जीवन का हर हिस्सा आनंदित हो रहा है। वाकई हम जिस तरफ देखें तो फूलों की बहार है, हर जीव वसंत ऋतु के स्वागत में खड़ा है। ये वसंत महामारी की निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते भारत के लिए नई उम्मीद नई उमंग लेकर आया है। इस उल्लास में भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के लिए ढाल बनकर खड़े होने वाले महानायक महाराजा सुहेलदेव जी का जन्मोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है। साथियों, मुझे करीब 2 साल पहले गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का अवसर मिला। आज बहराइच में उनके भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौड़ा झील का विकास, बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा।
साथियों, आज महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेज को एक नया और भव्य भवन भी मिला। बहराइच जैसे विकास के लिए आकांक्षी जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ना यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। इसका लाभ आसपास के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर वो तो होगा ही, नेपाल से आने वाले मरीजों को भी ये मदद करेगा। भाइयों बहनों, भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने भारत की लोक गाथाओं में रचा बसा है, जो पीढ़ियों ने आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते रहे। आज जब भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, ऐसे महापुरुषों का योगदान, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका संघर्ष, उनकी वीरता, उनकी शहादत, इन सब बातों का स्मरण करना, उनको आदरपूर्वक नमन करना, उनसे प्रेरणा पाना, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्य है कि भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। इतिहास रचने वालों के साथ इतिहास लिखने के नाम पर हेर फेर करने वालों ने जो अन्याय किया, उसे अब आज का भारत सुधार रहा है, सही कर रहा है। गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है। आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या उनकी इस पहचान को, आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेताजी को मिलना चाहिए था? आज लाल किले से लेकर अंडमान निकोबार तक उनकी इस पहचान को हमने देश और दुनिया के सामने सशक्त किया। देश की 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने का कठिन कार्य करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ क्या किया गया? देश का हर बच्चा इस बात को भलीभांति जानता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की है, जो हमें प्रेरणा दे रही है। देश के संविधान देने में अहम भूमिका देने वाले वंचित, पीड़ित, शोषित की आवाज बाबा साहब अम्बेडकर को भी सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा। आज भारत से लेकर इंग्लैंड तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, भारत के ऐसे अनेकों सेनानी हैं जिनके योगदान को अनेक वजहों से मान नहीं दिया गया, पहचान नहीं दी गई। चौरी चौरा के वीरों के साथ जो हुआ वो क्या हम भूल सकते हैं? महाराजा सुहेलदेव और भारतीय
राज्यता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के साथ भी यही व्यवहार किया है। इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेलदेव के शौर्य पराक्रम उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। सिर्फ वीरता ही नहीं, एक संवेदनशील और विकासवादी शासक के रूप में उनकी छाप अमित है। अपने शासनकाल में जिस प्रकार उन्होंने बेहतर रास्तों के लिए, पोखरों तालाबों के लिए, बाग बगीचों और शिक्षा के क्षेत्र में काम जो किया वो अभूतपूर्व था। उनकी यही सोच इस स्मारक स्थली में भी दिखने वाली है। साथियों, पर्यटक महाराजा सुहेलदेव जी के जीवन से प्रेरित हो सके इसके लिए उनकी 40 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित होगी। यहां पर बनने वाले संग्रहालय में महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां होंगी। इसके भीतर की और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, बच्चों के लिए पार्क बनेगा, सभागार होगा, पर्यटकों के लिए आवास ग्रुप, पार्किंग, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाओं का निर्माण होगा। इसके साथ साथ जो स्थानीय शिल्पकार है, कलाकार है, वो अपना सामान यहां आसानी से बेच पाए इसके लिए दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह चित्तौरा जीप पर घाट और सीढ़ियों के निर्माण और सुंदरीकरण से इस ऐतिहासिक झील का महत्व और बढ़ जाएगा। ये सारे प्रयास बहराइच की सुंदरता ही नहीं, सिर्फ सुंदरता बढ़ाएंगे ऐसा नहीं, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। मरी मैया की कृपा से ये कार्य जल्द पूरे होंगे। भाइयों बहनों, बीते कुछ सालों में देश भर में इतिहास, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति से जुड़े जितने भी स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है उनका बहुत बड़ा लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देने का भी है। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। चाहे वह भगवान राम का जन्म स्थान हो या कृष्ण का वृंदावन हो, भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या फिर काशी विश्वनाथ, संत कबीर का मगहर धाम या वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का आधुनिकीकरण, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इनके विकास के लिए भगवान राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों जैसे अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, कुशीनगर, श्रावस्ती आदि तीर्थ स्थलों पर रामायण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट, ऐसे अनगिनत सर्किट इसका विकास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, बीते कुछ वर्षों जो प्रयास हुए हैं उनका प्रभाव भी नजर आने लगा है। जिस राज्य में अन्य राज्यों से सबसे अधिक पर्यटक आते हैं वो प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में भी यूपी देश के टॉप 3 राज्यों में आ चुका है।
उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक कनेक्टिविटी के साधन भी बढ़ाए जा रहे हैं। भविष्य में अयोध्या का एयरपोर्ट और कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश विदेशी टूरिस्टों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े दर्जन पर एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जिसमें से कई पूर्वांचल में ही है। उड़ान योजना के तहत यूपी के अनेक शहरों उनका काम कीमत वाली हवाई सेवा से जोड़ने का अभियान चल रहा है, कम कीमत से। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे, ऐसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें पूरे यूपी में बनाई जा रही, और ये तो एक तरह से आधुनिक यूपी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत है। एयर और रेल रोड कनेक्टिविटी के अलावा यूपी को रेल कनेक्टिविटी भी, वो भी आज आधुनिक हो रही है। यूपी दो बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन है। हाल ही में ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक बड़े हिस्से का लोकार्पण यूपी में ही किया गया है। यूपी में जिस प्रकार आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक प्रोत्साहित है। इससे यहां नए उद्योगों के लिए तो बेहतर अवसर बन ही रहे हैं, यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम हुआ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्पना करिए, अगर यूपी में हालत बिगड़ते तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की बातें की जाती। लेकिन योगी जी की सरकार ने, योगी जी की पूरी टीम ने बेहतरीन तरीके से स्थिति को संभाल करके दिखा दिया। यूपी न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा, बल्कि बाहर से लौटे श्रमिकों को रोजगार देने में भी यूपी ने प्रशंसनीय काम किया। भाई और बहनों, कोरोना के खिलाफ यूपी की लड़ाई में पिछले 3-4 वर्षों में किए गए कार्यों का बहुत योगदान रहा। पूर्वांचल को दशकों तक परेशान करने वाली दिमागी बुखार का प्रभाव यूपी ने बहुत कम करके दिखाया है। यूपी में 2014 14 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 24 हो चुके हैं। साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है। इनके अलावा 22 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में आधुनिक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी अब पूर्वांचल को मिल रही है। यूपी जल जीवन मिशन यानी हर घर जल पहुंचाने के लिए भी प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। जब शुद्ध पीने का पानी घर घर पहुंचेगा, तो इससे अनेक बीमारियां वैसे ही कम हो जाए। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में बेहतर होती बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाओं का सीधा लाभ गांव, गरीब और किसान को हो रहा है।
विशेष तौर पर छोटे किसान जिसके पास बहुत कम जमीन होती है वो इन योजनाओं के बहुत बड़े लाभार्थी हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे लगभग 2.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सीधे पैसे जमा किए जाते हैं। ये वो किसान परिवार हैं जो कभी बिजली का बिल या खाद की बोरी खरीदने के लिए दूसरों से कर्ज लेने के लिए मजबूर थे, लेकिन ऐसे छोटे किसानों को हमारी सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर कर दिए, उनके खाते में जमा कर दिए। यहां किसानों को बिजली न होने की वजह से जो दिक्कतें आती थी, रात रात भर बोरिंग के पानी के लिए जागना पड़ता, इंतजार करना पड़ता था कि मेरा नंबर कब आएगा, ऐसी तमाम दिक्कतें भी बिजली आपूर्ति सुधरने से अब दूर हो रही है। साथियों, देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ खेती की जमीन छोटी से छोटी होती जा रही है, इसलिए देश में किसान उत्पादक संघों का निर्माण बहुत आवश्यक है। आज सरकार छोटे किसानों के हजारों किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओज बना रहे हैं। 1-2 बीघा के 500 किसान परिवार जब संगठित होकर बाजार में उतरेंगे तो वो 500,000 बीघा के किसान से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। इसी प्रकार किसान रेल के माध्यम से सब्जी, फल, दूध, मछली और ऐसे अनेक व्यवसायों से जुड़े छोटे किसानों को अब बड़े बाजारों से जोड़ रहा है। जो नए कृषि सुधार किए गए इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाए वो आज देशी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार किए बोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। नए कानूनों के लागू होने के बावजूद यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में 2 गुने किसानों का धान खरीदा गया। इस बार करीब 65,00,000 मैट्रिक टन की खरीद यूपी में हो चुकी है, जो बीते साल की तुलना में लगभग 2 गुनी है। यही नहीं, योगी जी की सरकार गन्ना किसानों तक भी बीते सालों में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचा चुकी। कोरोना काल में भी गन्ना किसानों को दिक्कत ना आए इसके लिए हर संभव मदद दी गई है। चीनी मिले किसानों को भुगतान कर पाए इसके लिए केंद्र ने भी 1,000,000,000,000 रुपए राज्य सरकारों को दिए। गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होता रहे इसके लिए योगी जी की सरकार के प्रयास जारी है। भाई और बहनों, सरकार की यह हर संभव कोशिश है कि गांव और किसान का जीवन बेहतर हो। किसान को, गांव में रहने वाले गरीब को परेशानी ना हो, उसको अपने मकान पर अवैध कब्जे की आशंका से मुक्ति मिले, इसके लिए स्वामित्व योजना भी आज पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आज तक यूपी के करीब 50 जिलों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे चल रहा है।
लगभग 12,000 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका और अभी तक 2,00,000 से ज्यादा परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड यानी घरौनी मिल चुका है। यानी ये परिवार अब हर प्रकार की आशंका से मुक्त हो चुके। साथियों, आज गांव का गरीब किसान देख रहा है कि उसके छोटे से घर को बचाने के लिए, उसकी जमीन को बचाने के लिए पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है, इतना बड़ा रक्षा कवच हर गरीब को, हर किसान को, हर ग्रामवासी को दे रहा है। इसलिए जब कोई कृषि सुधारों के माध्यम से किसानों की जमीन छीन जाने का झूठ फैलाता है तो उस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। हमारा लक्ष्य देश के हर नागरिक को समर्थ बनाने का, हमारा संकल्प देश को आत्मनिर्भर बनाने का। इस संकल्प की सिद्धि के लिए समर्पित भाव से हम जुटे रहे। मैं रामचरित मानस की एक चौपाई से ही अपनी बात समाप्त करूंगा। रामचरित मानस में कहा गया है, प्रभीसी नगर कीजे सब काज, प्रभीसी नगर कीजे सब काज, हृदय राखी कौशलपुर राजा। पावर दिए कि हृदय में भगवान राम का नाम धारण करके हम जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित सफलता मिलेगी ही। एक बार फिर महाराजा सुहेलदेव जी को नमन करते हुए आपको इन नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए योगी जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम में एक अभूतपूर्व गरिमा प्रदान की। हृदय से आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश कि आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक अलग ऊंचाई और एक गरिमा प्राप्त।
ये सबका साथ है और संपूर्ण विकास है। समूह को स्टार्टअप कास्ट का चेक वंदना ढोसिया, जयमा संतोषी, स्वयं सहायता समूह नगर और चित्तौरा। नीरज कुमारी, खुशी आजीविका स्वयं सहायता समूह मछियारी चित्तौरा। खाद्यान्न कोटा है तो संचालन का स्वीकृति पत्र। तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए मित्रों। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण। सुनीता बालाजी, स्वयं सहायता समूह रायपुर चित्तौरा। सुनीता बालाजी, स्वयं सहायता समूह रायपुर चित्तौरा जी। सुनीता बालाजी, स्वयं सहायता समूह रायपुर चित्तौरा। सामुदायिक शौचालय संचालक का स्वीकृति पत्र। श्रीमती शीशम देवी, पत्नी श्री संत राज, ग्राम सम सात नगर चित्तौरा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अतुल श्रीमती राजेश्वरी, पत्नी रिखी राम, ग्राम खलीलपुर चित्तौरा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। श्रीमती कामिनी वर्मा, पत्नी श्री गिरीश कुमार वर्मा, हमसापुर बहराइच, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। मित्रों, तालियों का सिलसिला जोरदार होना चाहिए। श्रीमती मीना आर्या, पत्नी चंद्र प्रकाश, ग्राम चित्तौरा बहराइच, आयुष्मान भारत योजना। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। मैं निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य स्वतंत्र प्रभार एवं कुटुंब